डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग इन हैशिंग। तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइज, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में कहानी वही है लीनियर प्रॉबिंग की तरह, जैसे हमने लीनियर प्रॉबिंग में डिस्कस किया था, बस जो चेंजेस है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हैश फंक्शन आपको दी है, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम एलिमेंट को डाल रहे हैं हैश टेबल में, तो कोई भी आपको दिया हो सकता है, k mod n, k mod n, जो पॉपुलरली यूज होते हैं वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब जैसे पहला मेरे पास की आया 42, तो 42 mod 10 क्या आएगा, रिमाइंडर 2, तो मैंने 42 को यहां पे डाल दिया। देन देखो हमारे पास आया 16, 16 mod 10 6, तो 6 में डाल दिया, लो जी खत्म। देन 91 mod 10 1, तो लो जी 91 हमने 1 में डाल दिया। देन देखो जी 33 mod 10 3 आएगा, रिमाइंडर 33 हमने यहां पे डाल दिया। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो नॉर्मल जैसे हमने पहले किए थे क्वेश्चन उसकी तरह चल रहा है, अभी तक क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग आई नहीं है। तो डोंट वरी, एक बार चलते रहो, अभी आपको कहानी में ट्विस्ट आएगा। देन देखो 18 mod 10 8, लो जी। Then 27 mod 10 7, रिमाइंडर आएगा, तो लो जी 27 को यहां पे। Then देखो 36 mod 10, अब 36 mod 10 जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, मतलब इस तरीके से करोगे ना, यहां पे इस वाले में अगर आप पुट करोगे तो 36 mod 10, एक्चुअल में तो आप ऐसे ही कर रहे हो, हैश की क्या आई, व्हाट इज द हैश वैल्यू, 6, ठीक है ना। वो तो हम कैलकुलेशन में फटाफट से करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, इसीलिए मैं फटाफट से बता रहा हूं, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, हैश वैल्यू क्या आई मेरी, 6। अब देखो 6 लोकेशन पे ऑलरेडी देयर इज अ एलिमेंट, अब इसको बोलते हैं क्या, कोलिजन। अब आ गया जी हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन। इन केस ऑफ कोलिजन फिर मैं क्या करूंगा, ये वाला जो है हैश फंक्शन मैं यूज करूंगा। अब इस हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, वहां पे अकेला आई था, अगर आपने लीनियर प्रॉबिंग में देखा हो तो वहां पे अकेला क्या था, आई, यहां पे क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, अब ये क्वाड्रेटिक नेचर में चलेगा, वो लीनियरली चल रहा था एक एक करके, अगर यहां पे भरा हुआ है तो नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर उससे नेक्स्ट में, इस तरीके से। लेकिन ये क्या चलेगा, ये क्वाड्रेटिक इन नेचर चलेगा, मतलब पहले हमने इस तरीके से चेक किया, फिर हम इस तरीके से एक एक करके मूव करते जा रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक नेचर जो है वो ये परफॉर्म करेगा। आप देखो 6 वाले केस में आपके पास क्या आएगा, हैश वैल्यू तो हमारी 6 है, ये तो फिक्स ही रहेगी, हैश वैल्यू एच ऑफ के तो हमेशा क्या रहता है, फिक्स ही रहता है। अब आई स्क्वायर मतलब प्रॉब नंबर, कोलिजन नंबर क्या है अभी, 1, क्यों, आपने सभी अभी सबसे पहले यहां पे चेक किया, तो कोलिजन नंबर क्या हो गया, 1, तो 1 स्क्वायर 6 प्लस 1 स्क्वायर क्या आया, 7, 7th जगह पे, 7th लोकेशन में आप डाल दो, बट 7th में तो ऑलरेडी एलिमेंट है, 7th में देखो ऑलरेडी एलिमेंट है, तो प्रॉब नंबर क्या हो गया, 2, प्रॉब नंबर मतलब कोलिजन नंबर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो अभी आपने एक अटेम्प्ट किया था, फेल हो गए, अब दूसरा अटेम्प्ट किया वो भी फेल हो गए, तो कोलिजन नंबर क्या हो गया, 2, तो अब क्या करोगे, 6 प्लस 2 का स्क्वायर, गेटिंग द पॉइंट, आई की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो गई, फिर 3, फिर 4, और इस तरीके से स्क्वायर करते जाओ, तो 6 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 10, तो 10 mod 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये 10 है ना, 10 mod 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, तो लो जी यहां पे हमने किसको डालना है, 36 को यहां पे डाल देना, इस तरीके से काम करता है। देन देखो 62 कहां पे जाना चाहिए, 2 पे, बट यहां पे ऑलरेडी फिल्ड है, फिर हम क्या करेंगे, क्या हैश वैल्यू आएगी, 2, तो 2 प्लस 1 स्क्वायर क्या बनेगा, मैं जस्ट एक छोटा शॉर्ट फॉर्म करके लिख रहा हूं, वैसे आपके दिमाग में चल ही रहा होगा, 2 प्लस 1 स्क्वायर mod 10 मतलब 3 आएगा, 3 ऑलरेडी फिल्ड है, फिर 2 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 6, 6 ऑलरेडी फिल्ड है, फिर 2 प्लस 3 स्क्वायर क्या बनेगा, 9 प्लस 2 11, 11 mod 10 मतलब 1 ऑलरेडी फिल्ड है, फिर 2 प्लस 4 स्क्वायर तो क्या बनेगा, 16 प्लस 2 18 मतलब 8 आएगा, वो भी आपका ऑलरेडी क्या है, 8 वाला भी आपका ऑलरेडी फिल्ड है, फिर उसके बाद आप करोगे 25 प्लस 2 7 27 mod तो उसमें आंसर आएगा 7, वो भी ऑलरेडी फिल्ड है। तो देखो इस तरीके से आप क्या करते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बट आपको लोकेशन नहीं मिल रही है, वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज है क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल इसी तरीके से डिजाइन किया है, जहां पे आपको पता लगेगा आप इसके बाद 4 5 6 7 9 10 जो मर्जी स्क्वायर कर लो, ये आपका एक तरह से लूप में फंस गया, और यही सबसे मेजर डिसएडवांटेज है जो मैंने यहां पे लिखी है, दैट देयर इज नो गारंटी ऑफ फाइंडिंग अ स्लॉट फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब गारंटी नहीं है, अगर आपका एक बार
हैश टेबल हाफ फुल हो गया, आधा भर गया, उसके बाद कुछ नंबर सीरीज ऐसी हैं जिनके लिए वो गारंटी नहीं है कि आपको एलिमेंट के लिए कोई खाली जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑल्दो आपके पास दिख रही है, खाली जगह मिल रही है ना, यहाँ पे दिख रही है आपको, लेकिन फिर भी आपको ये पोजीशन नहीं मिल पाएगी। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में ये सबसे मेजर डिसएडवांटेज है, इसीलिए लीनियर प्रॉबिंग जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, या फिर डबल हैशिंग जो है वो पॉपुलर है। लीनियर हैशिंग में तो अब तक आपको कोई ना कोई लोकेशन मिल जाती। तो ये बेसिकली कहानी है आपकी क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग की। बाकी अब देखो एडवांटेजेस, नो एक्स्ट्रा स्पेस, चेनिंग से अगर हम कंपेयर करें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, प्राइमरी क्लस्टरिंग, हाँ ये जो लीनियर प्रॉबिंग में प्रॉब्लम थी प्राइमरी क्लस्टरिंग की, वो इसमें रिजॉल्व हो गई है। प्राइमरी क्लस्टरिंग होता क्या है कि लेट्स से अगर एक क्लस्टर, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट बन गया, तो उससे नेक्स्ट जो लोकेशन होगा ना उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यार इसमें एलिमेंट नेक्स्ट आएगा। रीजन उसका क्या है, अगर कोई यहां पे आया, यहां पे, यहां पे, यहां पे, या फिर यहां पे, इनमें से किसी भी जगह पे अगर लोकेशन पे कोई एलिमेंट आया तो उसकी लोकेशन यहीं पे ही बनेगी, क्योंकि लीनियर में हम नेक्स्ट नेक्स्ट ही चेक करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ग्रुप बनने की। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे आप क्वाड्रेटिक नेचर में चलते जा रहे हो, तो क्वाड्रेटिक नेचर में प्राइमरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन अगर हम बात करें सर डिसएडवांटेज, वो तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, अगर आप एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, इवन इंसर्ट करते टाइम भी, आपको डिलीट करते टाइम भी, सर्च करते टाइम भी, आपकी जो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन तक क्या जा सकती है, इतनी तक आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा सकती है। देन सेकेंडरी क्लस्टरिंग इसमें भी है, जैसे आपकी लीनियर प्रॉब्लम में थी तो यहां पे भी सेकेंडरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम है। सेकेंडरी क्लस्टरिंग होता क्या है कि टू और मोर कीज आर फॉलोइंग द सेम प्रॉबिंग सीक्वेंस, मतलब जैसे पहले एलिमेंट आया जी, सबसे पहले जैसे इसी की अगर हम बात करें, सबसे पहले एलिमेंट को आना था दो पे, दो पे नहीं आया, फिर हमने तीन पे चेक किया, तीन के बाद हमने छह पे चेक किया, छह के बाद हमने वन पे चेक किया, फिर एट पे चेक किया, फिर सेवन पे चेक किया, एक सीक्वेंस जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही लेट्स से एक और की आ गई, वो भी सबसे पहले टू पे आई, फिर उसके बाद हमने थ्री चेक किया, फिर सिक्स, फिर वन, फिर एट, फिर सेवन, मतलब सेम प्रॉबिंग सीक्वेंस अगर बन रहा है, सेम लोकेशन पे अगर वो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी क्लस्टरिंग। वो इसमें भी है, वो लीनियर प्रॉबिंग वाले में भी था, लेकिन प्राइमरी इसमें रिजॉल्व हो गई है। देन ये मैंने आपको पहली बता दिया विद एग्जांपल कि क्यों गारंटी नहीं देता ये, अगर एक बार हाफ फुल हो जाए तो फिर गारंटी नहीं देता कि यार एलिमेंट के लिए जगह बचेगी या नहीं बचेगी, वो आप ऑलरेडी करके देखी चुके हो अगर आप 62 को डालने की कोशिश करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। थैंक यू।